कूदा था तो ये लोग गए हैं वहाँ पीने का पानी भरने, छोटा धारा आता है। अरे लड़की, तो लोग पानी भरने गए हैं, मैं दिखाती हूँ। ये है हमारा मकान, तू ही ना जानू आज देखी रोल। ये है हमारा मकान, ये बात हो रखी है बोल, ऐसे हाल हो रखे हैं। तीन गाड़ा है अंदर, पूजा लगा छिपा इन रोड में। हेलो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। अब घर से नीचे मंदिर तक का सफर मैं दिखाती हूँ आज आपको। आज हमारा पुराना घर, क्योंकि बिल्कुल है नहीं, मतलब अब बिल्कुल ही नहीं है, वहाँ पे खाली जगह ही जगह बची है। जो पिछली बार भी दिखाया था मैंने, तो बिल्कुल खंडर भी नहीं है, अब कुछ बचा ही नहीं है उसमें। तो अभी तो बहुत दूर चलना है हमको। सो गाइस, मेरे तो पाँव अभी से दुखने लग गए हैं। लड्डू आगे पहुंच गया पापा जी के साथ, नन्नू और मैं। आराम से चल बेटा, लोग पहुंच गए हैं वहाँ। निदिशा है मेरे साथ, तो अब जाते के दिखाते हैं आपको नीचे। हम नीचे वाले घरों में पहुंचेंगे, फिर दिखाते हैं आपको वीडियो। यहाँ जंगलों में लोगों को कैसे बुलाते हो पापा जी, बताएंगे? बताओ ना कैसे अभी तुमने क्या किया वो करो ना। कहाँ कहाँ कैसे किया नन्नू बाबा ने? चल वहाँ मुन्ना जी में धो लेगी। चल सो गाइज, हम धूरा से इंच फल जाली थी पहुँचने वाले हैं नीचे लियानी। इस काफ़ी लंबा सफ़र तय कर लिया है हमने। और वो बाबू जी देखिए, इसको क्या कहते होंगे, इसको खाते हैं, इससे दूध निकलता है ये। सो गाइज, ये देखिए, इसके ऐसे गुठली निकाल के इसका दूध पिया जाता है। बहुत ही मीठे, बहुत ही टेस्टी। पहुंच गए हैं यहाँ पे हम, यहाँ पे रखी है घास काटने वाली मशीन। पहुंच गए हैं हम नीचे, और यहाँ से भी और नीचे जाना है हमको वहाँ। गाइस जैसे ही हम नीचे पहुंचे तो हमको क्या दिखा, बहुत सारे मशरूम उड़ते, पर ये कैसे वाले मशरूम है आई डोंट नो। गाइस उतनी वैरायटी के फ्रूट्स हो रखे हैं, वो क्या कहते हैं, चूरो पाकरी, जंगल में आम के इतने बड़े बड़े दाने, और मशरूम्स और अनार के दाने हो रहे हैं, एक तो केले, और एक तो यहाँ बंदर नहीं आते हैं ऊपर से इतना सारा, क्योंकि गांव में कोई है नहीं, तो रास्ता तो काफ़ी ख़राब हो रहा है। मैं दिखाता है ऐसा डिफ़िकल्ट, चला नहीं जा रहा है। हर्षू के पाँव हो गए हैं लाल बिल्कुल। तो ऐसा हो रहा है हमारा सफ़र, पीछे भाभी है हमारी, अभी मच्छी पकड़ेगा वहाँ नीचे। पहुँचने वाले हैं हम मच्छी पकड़ने नीचे, और पसीने से हो गए हैं ऐसे हाल। थकान हो गई, गए हम दूसरे जहाँ पे स्टे करेंगे 2 मिनट। बहुत बता, ये हमारे पहाड़ी आम, बम्बई आम हो ना तू? बिल्लो का हो रही सो गाइस, देखो अभी तक भी ये ऐसा ही है बिल्कुल, पिछली बार भी आए थे ऐसा ही था। मेरे जेठ जी ने लगाया है। और ये हमारा पुराना मकान, नन्नू की मूर्ति खंडर होगी कशल हजू। ये हमारे केले के पौधे, दुई आ रहे, कदू आ रहे हैं ना, दो। ये है हमारा मकान, तू ही ला जानू आज देखी रोल। ये है हमारा मकान, ये बात हो रखी है बोल, ऐसे हाल हो रखे हैं। तीन गाड़ा है अंदर, पूजा लगा छे भाई इन रोड में। भैया हम ठुल पागी बेर छड़ी जाँच वो अच्छे लग रहे खराब हो ना वो ऐसा क्या रोल है इन गाड़ा आपको यहाँ तब ऐसा कहाँ है हमको कौन। ये है हमारा रास्ता जंगल का, काफी डेंजरस है, डेंजरस।
कब होगा, कैसे सफर हो। तो भाभी बिल्कुल गांव के अंदाज में कपड़े वपड़े बिल्कुल ऊपर तक पहुंचा के चल रही है। बिल्कुल बॉडी गार्ड की, आज आज इनके पाँव में टायर लग गए थे जिस टाइम हमने देखा, इतनी स्पीड में आए, बड़ी मुश्किल से पहुंचे अभी यहाँ। बच्चे तो मैं अब नहीं पकड़ा बहाना के, क्या बच्चे पकड़ूं, अभी आए स्पीड में। अब चले कैसे तो पर्चा पर्चा फूल अवतार में सहन भाभी, फूल अवतार में पली इसी का गज्जल ही थे आज बाजार बढ़े हुए सब। अरे साड़ी क्या देख रही है, मेरे भी साड़ी अच्छी है। अच्छी तो है फिर साड़ी की है ये तो, अच्छी तो दिख रही है, अच्छी है। तो भाभी आज चामरन में कुछ देख रही हूँ कभी ठीक है वाली है, यहाँ की नहीं है भारी भारी कौन पहनेगा। इतनी रास्ता दिखाती मैं नीचे का, दिस इज हॉरेबल हॉरेबल रास्ता हो रही था। ये तुम्हारा वाली हॉरेबल भाभी, ये खेत भी कह रहा है हैं क्या ऊंचे ही दिन पल्ली ऊंचे वाला बा यहां तक ये वो बोते थे बोल पाएंगे सच्ची भाई। सो गाइस पहले यहां गेहूं लगाते थे बोल, लगता है यहां कुछ होता होगा। चल वो दिन नीचे वाला काई का साइज का है, ऊपर वाला मम्मी का लगाते थे बोल यहां। सो गाइस पहुंच गए हैं हम नदी के पास। ओ भाई बाटो का तो रास्ता भी कुछ डिफरेंट टाइप्स है भाई। तो ये नदी जाती है सीधे तालेश्वर मंदिर के पास, दिखाती हूँ आगे से ती है नीचे तालेश्वर के पास। अब फिसल जाएंगे बुआ गिर जाएगी मेरी। तो यहाँ से चाहना है हमको आगे, तो यहाँ चल रहा है इनका। तू उधर जा बॉय की याद करेगी फिर देख लिया उठ कर। तो ये नदी जाती है सीधे तालेश्वर। तो ये चल रहा है हमारा नदी पार करने का सीन शॉट, स्विमिंग पूल है हमारा। पिछला और आज हुआ बा तो पहुंच गए हैं हम लोग यहाँ, कर ली बाद में आएगी। तो हमने कर ली है नदी पार और पसीने से हो गए हैं तरबर, भाभी मुंह धो रही है यहीं पे। तो गाइस ये बचाने के चक्कर में मैं भीग गई है। मैं झूल कैसे बॉजी पेटकोट भिजगा बुर रही। हाय हाय निक्षा जा ना ना और के पर आ रहे हैं ना। अरे ये भी बनवाना चाहिए ये बड़ी मम्मी के फोन में खेलते जा। इस मंदिर में हो गई है हमारी पाठ पूजा और हमने गूंथ दिया है बहुत सारा आटा और मैं हाथ धोके चली गई हूँ और उन लोगों ने गूंदा था मेरे साथ आटा, पापा जी मनोज और वीरू। तो इन लोगों ने सबने आटा गूंदा था तो ये लोग गए हैं वहाँ पीने का पानी भरने, छोटा धारा आता है अरे लड़की, तो वो लोग पानी भरने गए हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, मैं बिल्कुल नदी के बीच में खड़ी हूँ पत्थर में। ये देखिए नदी सीधे नीचे तालेश्वर को जाती है और यहाँ बड़ा जो मंदिर के सामने पेड़ था वो पेड़ गिर चुका है और उसकी लकड़ियाँ कटिंग होंगी और मंदिर बनेगा। ये आटा गूंदने वाला हीरो ये पापा जी दिया है। हाँ पीने का पानी भर दिया है हमने। तो ये देखिए कितना संघर्ष है यहाँ, ऐसे यहाँ से पीने का पानी भर के ले जा रहे हैं, ये पानी हम पी भी नहीं सकते हैं। तो ये देखिए हमारी लाइफ तो
बड़े बड़े जंगलों के बीच में है हमारा मंदिर। यो इतना बड़ा बाल्टी ले जा रहा है, इसको लेके आओ। तो फिर बन रहा है प्रसाद वाला खाना, यहाँ पे पूजा हो गई है पूरी। हाँ पे बन रही है पूड़ियाँ, दाल निकाला, दाल पंडित जी बना रहे हैं खाना। पूजा से ब्रेक लेके टी ब्रेक चल रहा है अभी सबका, सब लोग चाय पी रहे हैं। ये है संतरी, मुझे सबको मिश्री बांट रहा है। हो रहा है कुछ ऐसा, और मैं दिखाती हूँ आपको। ये इतना बड़ा पेड़ गिरा है यहाँ, इसमें से अब लकड़ियाँ बनेंगी और फिर बनेगा मंदिर। और इसके साथ जो पहले हम पिछली बार आए थे इस पेड़ पे अटका था ये पेड़, तो जब ये पेड़ गिरा तो ये पेड़ भी गिर गया इसके साथ में। और नीचे तक जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक ये पेड़, इतना बड़ा पेड़ है ये। अब थोड़ी छोटी मोटी लकड़ियाँ यहाँ मंदिर के काम के लिए यूज़ हो गई हैं वहाँ पे। यहाँ पे हो रहा है धुनी जला रखी है यहाँ पे। ये मेरे ये देख बारिश आई है, सब ऐसे बैठे हैं सब। सो गाइस यहाँ पे बकरियाँ लाई गई हैं, बकरियों को मतलब पूजा के लिए लाए हैं, तो बकरियों की पूजा होगी यहाँ पे। सो गाइस पूजा के साथ साथ बीच बीच में ना हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम भी थोड़ा ऐसा ही हो रहा है आज, मतलब इतनी ज़्यादा बारिश भी नहीं हो रही है, बारिश हल्की हल्की हो रही है, मौसम ने ठीक ठाक साथ दिया है पूजा के लिए। तो भगवान प्रसाद है ना, झगड़ा लगा।
यहाँ पे हो रही है आग जलाने की तैयारी अलग से, तो यहाँ से लकड़ियों को सूखा करके वहाँ पे जलाएंगे अब आग। इसके बाद इसमें की तैयारी, तो यहाँ पे अच्छे से धो धा के बिल्कुल साफ कर दिया है और बन रहा है पंचोला। तो अब पूरी है हवन की तैयारी, बाकी सारी चीजें हो गई हैं। अब लास्ट में होगा हवन, उसके बाद होगी पूजा पूरी। सुगंधित पुष्टि वर्धनम गुरुवार को भी वंदना जुटे वाद भागिनी शरणे त्रि अंबके गौरी नारायणी नमस्ते स्वाहा ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कबालिनी दुर्गा सुमा शिवा धात्री स्वाहा नमस्ते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कबालिनी दुर्गा सुमा शिवा धात्री स्वाहा नमस्ते स्वाहा। ओम भूर्भुवस्य गायत्री देवता गायत्री चंद्रगुप्त के पास ही विनोबा श्री संज्ञा नामिका अधिकारी नाम जपते स्वाहा स्वाहा स्वाहा। हेल तो कम होगी, हेल मना कम होगी। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, इससे आगे की वीडियो हम आपको अगले ब्लॉग में दिखाएंगे। तब